ड्रामा सीरियल बेटियां चोरे तो आसमानों पर बनते हैं और अल्लाह पाक ने जिसका नसीब जिसके साथ जुड़ा हो उसकी शादी उसी के साथ होकर रहती है। अभी तो ड्रामा में फिजा और दानिश एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मगर हम देखेंगे कि आने वाली कुछ एपिसोड में फिजा का और दानिश का रिश्ता दोबारा से खराब होगा, क्योंकि वैसे तो इनकी फूफो को इनके साथ अच्छा होना चाहिए, मगर फिजा की फूफो तो दानिश को उल्टा सीधा भड़का देती है क्योंकि वो उसको बता देती है कि आयशा की शादी होने वाली है। तो इधर दानिश की माँ को भी फिजा एक आंख नहीं भाती है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका बेटा सेक्रीफाइस करके फिजा के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। लिहाजा फूफो और दानिश की माँ की वजह से इनके रिश्ते में थोड़े से क्राइसिस आएंगे, मगर ये रिश्ता दोबारा से मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आयशा की शादी के बारे में सुनकर दानिश का पहला रिएक्शन तो बहुत बुरा होगा और वो सारा गुस्सा अपना फिजा के ऊपर निकाल देगा, यहाँ तक कि दानिश गुस्से में आके फिजा को घर से भी निकाल देगा, लेकिन वो उसकी शादी लाजमी अटेंड करेगा। अभी तो वो ये भी नहीं जानता कि उसके एक बहुत अजीज बिजनेस क्लाइंट के बेटे के साथ ही आयशा की शादी हो रही है। और आने वाली एपिसोड्स में हमने अभी आयशा की शादी देखनी है। आयशा को तो आप जानते हैं कि आयशा काफ़ी खूबसूरत है, लिहाजा वो अपनी शादी पे शदीद हसीन लगेगी। फिलहाल तो आयशा अपने होने वाले हस्बैंड यानी साथ को कोई ख़ास भाव नहीं दे रही, क्योंकि उसको अभी उस पर काफ़ी गुस्सा है, लेकिन उसकी साथ काफ़ी अच्छी और पोलाइट है, लिहाजा वो उसकी कंपनी में काफ़ी इंजॉय करती है। इधर लाइक अहमद अपनी बहन को हर टाइम समझाते रहते हैं, अच्छा बनने की तनकीद करते रहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि दानिश और फिजा का रिश्ता दोबारा से मजबूत हो जाए। अल्लाह हाफिज़।